नमस्ते और आपका स्वागत है आपके रीडिंग में। और इसमें हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, अभी की अभी वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आखिर सारा दिन जो भी झंझट हुए आपकी ज़िंदगी में, लेकिन एंड में आपको विक्ट्री मिल गई, आपको जीत मिल गई डिवाइन फेमिनाइन को बहुत सी जगह पे। ठीक है, ऐसा आपके साथ हुआ। और आपके जो DM हैं, जैसे कि मैंने 6 बजे की एनर्जी दी थी, बहुत बड़ा चेंज आप दोनों की एनर्जी में आया उस टाइम पे, और आपको एक प्यार फील हुआ उनको लेके। और मुझे एक डिवाइन फेमिनाइन मैसेज कर रही हैं बार बार, ठीक है, कि वो बहुत परेशान है कि बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है। अगर आप मेरे पास आ भी सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, और हीलिंग लीजिए, तो मैं एक रास्ता बताऊंगी आपको। सेशन बुक कीजिए आप मेरे साथ और मैं आपको एक रास्ता बताऊंगी कि आपको कैसे चलना है। और इस तरह से परेशान रहने की, सेपरेशन में रहने की आपको कतई भी ज़रूरत नहीं है। आपके और काम बतेरे हैं, आप उनको कीजिए, अच्छे से कीजिए दिल लगा के। मैं मानती हूँ कि DM को आप नहीं भूल पा रहे हैं, और सेपरेशन का एक टाइम होता है, लिखा जाता है टाइम, कि इतने दिन का सेपरेशन होगा आप दोनों का, तो वो जो टाइम है उस टाइम को निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, कि टाइम कैसे निकलेगा, उसमें कुछ टूल होते हैं, कुछ हमें करना होता है अपनी ज़िंदगी में, जिससे हम वो सेपरेशन का जो टाइम है उसको आराम से निकाल सकें। बस इसी के लिए सेशन ज़रूरी होता है और हीलिंग ज़रूरी होती है। लेकिन सेपरेशन का टाइम कोई कम नहीं कर सकता। कोई टैरो रीडर हो गया या कोई भी हो गया, आपको ये बता देगा कि आपका रियूनियन कितने दिन बाद होगा और कितना टाइम अभी सेपरेशन में लगेगा। ऐसा तो है नहीं 1 साल के अंदर सेपरेशन हो गया। टूट टूट के इस जर्नी में मुलाकात होती रहती है, फिर थोड़ा सा सेपरेशन हो गया, फिर थोड़े से हील हो गए, फिर मुलाकात हो गई, ये जर्नी इस तरह चलती रहती है। लेकिन ये किसी को नहीं पता है अभी तक कि इस ये पूरी कब होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे पास ज़रूर से आ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ ये जर्नी पूरी होती भी है या नहीं भी होती है, या DM जो है मैरिड DM है या अनमैरिड है, या किसी भी चीज़ को लेके आप जानना चाहते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी को ख़ास तौर से। और रिलेशनशिप से आप अगर परेशान हैं तो क्या करना चाहिए, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हमें कौन सी गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए, ये सब आप आराम से जान सकते हैं एक ही चैनल पर। जी हाँ, मुझसे आप आराम से पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे अब बात कर रही हूँ, ऐसी मेरी आपके साथ नॉर्मल बात भी इसी तरह होगी जब आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे। तो जो हमें DM की जो एनर्जी आई, यहाँ पे 6 of Cups रिवर्स आया है, तो मैं अगर कह दूँ कि सारा प्यार उसी तरह से है, थोड़ी देर हो सकती है क्योंकि कार्ड मुझे उल्टा मिला है। मेरे कार्ड पढ़ने के तरीके बहुत अलग है, ठीक है, ये ना मुझे उल्टा मिला है, तो इस पर थोड़ी देरी हो सकती है। आपके जो पार्टनर हैं वो देर से सही, लेकिन उनके दिल का जो प्यार है वो कम नहीं हुआ है, और आपके दिल में जो प्यार है वो भी कम नहीं हुआ है उनके लिए। बेशक आप कितने भी महीनों से अलग हैं, या कितने सालों से आपका ये रिलेशनशिप है, या कितने जन्मों से ये रिलेशनशिप आपका है, जन्मों को भी ये कार्ड हमें बता रहा है। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है, उनका जो सारे कप हैं आपके लिए वो भरे हुए हैं प्यार से, कोई भी जगह उनके अंदर खाली नहीं है आपको लेके, कि जिस जगह में आप उनके ना हो उनके दिल में आप हैं, उनके दिमाग में भी आप हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक कप है जो भरा हुआ है, ठीक है। और जो बिल्डिंग है उनकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ऊंची ऊंची है। तो इसी तरह जो आपका प्यार है, इसकी सिम्बोलॉजी जो है वो अच्छे से बता रही है कि आपका जो प्यार है उतना ही ज़्यादा मजबूत है, और उनके दिल और दिमाग में हर जगह आप हैं, और ये 6 of Cups की एनर्जी मुझे बता रही है, ठीक है। रेड कलर है यहाँ पे, तो ये थोड़ा गुस्से को बता रहा है और प्यार को भी बता रहा है, जितना गुस्सा है उतना प्यार भी है, थोड़े गुस्से में हैं आप दोनों एक दूसरे से, लेकिन प्यार कम नहीं है। ये करंट एनर्जी में हमें पहला कार्ड मिला है, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी, हफ्ते में मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी डिटेल में चेक कर दिया करूँगी, लेकिन शॉर्ट रीडिंग मैं सुबह शाम डाल दिया करूँगी। चैनलिंग भी मैं आपके लिए कर देती हूँ, ठीक है, हैंडमैन वो कंटिन्यू
मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात वो सारी रात यही सोचने वाले हैं, प्यार के बारे में ही सोचने वाले हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स और द हैंडमैन, ये इंसान एक बैलेंस में आ चुका है अपनी ज़िंदगी के, कि इसे करना क्या है, इसे चूज़, ये अब तक ये चूज़ ही नहीं कर पा रहा था काम को, आपको, थर्ड पार्टी को, घर को, परिवार को, ये चूज़ नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज इसकी एनर्जी ये है अभी की कि ये बैलेंस में आ गया है। ये उल्टा लटका है ना, ये देखो किस कितने आराम से लटका हुआ है, लेकिन इसका जो दिमाग है वो सोच रहा है, वो सोच रहा है क्या, सिक्स ऑफ कप्स, अपने प्यार को सोच रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये किस भी पोजीशन में है, ये तंग है या नहीं है, लेकिन अगर ये इसको गर्मी में भी बिठा दिया जाए ना, तब इसको गर्मी नहीं लगने वाली, क्योंकि इसके दिमाग में प्यार का भूत सवार है। कहते हैं ना, जब प्यार होता है ना पहली बार किसी से, तो ना तो उसको गर्मी लगती है, ना उसको ठंड लगती है, ना ही उसको जो रास्ता है वो लंबा लगता है, वो सोचता हुआ दूर तक चला जाता है, ठीक है। और यही एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की इस टाइम की लग रही है, टेन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आपके पार्टनर, तकलीफ तो उनको देखो हेल्थ इशू हो सकते हैं, ठीक है, आपको लेके पेन में भी हैं और हेल्थ इशूज़ भी उनके हैं, हो सकता है उनको थोड़ी सी दवाई की ज़रूरत हो जिससे वो ठीक हो जाएं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि मुझे इस दवाई की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं डिवाइन फेमिनिन के पास चला जाता हूँ तो मैं आधा हील वैसे भी हो जाता हूँ, अगर सॉरी क्योंकि आपके हाथों में हीलिंग है, आपके हाथों में पावर है, ठीक है, वो आपसे हील हो जाते हैं, आपसे बात करके, आपके आपको देख लेते हों तब भी वो हील हो जाते हैं दूर से अगर देखते हों। यहाँ पे कोई बीच में ऐसा है जिनकी वजह से आप रुक जाते हो, सिस्टर हो सकती है, मदर हो सकती है, जो क्लियर एनर्जी आ रही है मुझे बीच की आ रही है, जैसे आस पड़ोस का कोई चाची ताई लगा लो या कुछ लगा लो। डेथ कार्ड रिवर्स और सन कार्ड, जो लेसन सीखने थे आप लोगों ने अभी कार्ड बता रहे हैं कि वो आप सीख आपने सीख लिए हैं। ये उल्टा मिलने का मतलब मुझे बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है, आपने सीख लिया है जो आपको सीखना था, और जो दर्द आपको मिलने थे वो मिल गए हैं आपको। और ये जो लेडीज़ है बीच में, है एक लेडीज़, ठीक है, तो ये आपको इसी तरह एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी आदत से मजबूर है, इसी ये कर कुछ नहीं पाएगी, बस ये थोड़ा नज़रें रखती है आप दोनों के ऊपर और आप दोनों के बीच में रायता फैलाने की कोशिश करती है, तो ये बाज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सन कार्ड है, सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशन आपके रिश्ते की रहने वाली है, आप दोनों की रहने वाली है, इस इंसान की नज़र आप पे रहने वाली है, और बीच में ये औरत ही क्या करेगी, हो सकता है उनकी वाइफ भी हो सकती है बहुत सी जगह पे, हो सकता है थर्ड पार्टी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे आस पड़ोस की किसी औरत की आ रही है, ठीक है, जिसके साथ भी जैसे मैच कर रहा हो वो मुझे बताना। प्यार को लेके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। और ये जो एट ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड मुझे बार बार मिल रहा है, मैं ले नहीं रही हूँ, ठीक है, वो क्या बता रहा है कि आपने बहुत काम कर लिया और आप रिलैक्स के मूड में आ गए हैं, तो रिलैक्स के मूड में रहिए। और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी सन कार्ड से तो यही पता चल रहा है, वो बहुत सारे डीएम अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ एक जिम्मेवारी की तरह अपने रिश्ते को समझने वाले हैं, अपनी जिम्मेवारी पूरी करने वाले हैं, तो यही करंट एनर्जी में निकल के आया है। करंट एनर्जी आप लोगों की बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रही है, और टेन ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे ये हेरोफेंट का कार्ड मिला है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ टाइम बिताने वाले हैं, उनको एक फैमिली का जो है दर्जा देने वाले हैं, तो यही एनर्जी आप लोगों की रह सकती है। क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि क्या पता किसकी मदद हो रही हो, अगर ये जनरल रीडिंग है इससे भी मदद हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए, प्यार दीजिए मुझे भी, और मैं आपको प्यार करती हूँ तभी तो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आती हूँ बार बार, ठीक है। और देखिए, मैं ना एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, सच बोलना और सच के साथ रहना, एनिमल्स की मदद करना, जीव जंतुओं की मदद करना, छोटे छोटे जानवर, अगर मैं कहीं घूमने भी जा रही हूँ ना, मेरे आगे से कोई कीड़ा भी निकल के जाता है तब भी मैं उसे किसी पत्ते पे रख के उसे साइड में कर देती हूँ, कभी कोई इसको दवा ना दे। तो आप भी तो मेरे से जुड़े हुए हैं, आप भी अपनी ऐसी भावना बनाइए और प्यार कीजिए दूसरों से, सबसे प्यार कीजिए। अगर कोई आपके लायक नहीं है, बहुत ज़्यादा
नेगेटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा चक चक करता है, तो थोड़ा चुप हो जाइए और लड़ाई करने से अच्छा है दूरी बना लीजिए और प्यार में रहिए, खुश रहिए, अंदर से एक शांति महसूस कीजिए अपने अंदर। ट्विन फ्लेम जर्नी में बदलाव ज़रूर आएगा, देर हो सकती है, अगर वो ट्विन फ्लेम है तो वो कहीं नहीं जाने वाले, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ। ठीक है, मैं फिर आऊँगी, सुबह मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।